तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक सावर डो ब्रेड, जो इतनी मुझे आती नहीं है, सावर डो ब्रेड कहते हैं, अब उससे एक सैंडविच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास चिकन सीख कबाब है, फ्रोज़न सीख कबाब है, और मैं कोशिश करूँगा जो है देसी घी से भी कुछ फ्राई करने के लिए, साथ में एक मेयो बनाने के लिए, और फिर देखता हूँ कि क्या बन के आता है। सो कीप वॉचिंग। तो पैन में हमने पहले डाला थोड़ा सा घी, एंड लेट्स अलाउ इट टू गेट मेल्टेड। फिर हमने इसमें डाल दिया कटे हुए, स्लाइस्ड करे हुए चिकन सीख कबाब्स, एंड नाउ लेट इट गेट सॉर्टेड फॉर अ वाइल। सिजलिंग साउंड, द सिजलिंग ऑफ घी, द साउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लगता है, थोड़ी सी ASMR वाली फीलिंग आती है। तो बाय द टाइम इट कुक्स, हम इसमें फिर क्या करेंगे कि अभी हम कैप्सिकम और अनियन को भी साथ में थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा माइल्डली अगर फ्राइड और सॉर्टेड रहता है तो खाने में थोड़ा और मतलब अच्छा लगता है। तो बेसिकली देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सावर डो ब्रेड बर्गर सब जो भी कह लीजिए हम बनाने वाले हैं इसमें। तो पहले तो अभी हमने चिकन सीख कबाब को फ्राई करा, इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालते हुए दोनों तरफ, इसके बाद जो है थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डालेंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा जिंजर पाउडर भी डालेंगे। तो आइडिया ये है कि जो सावर डो ब्रेड होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, एंची भी रहती है। तो अब उसके उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके कैसे हम उसको एज ए बर्गर या सब हम ले सकते हैं। तो एसेंशियली आइडिया ये है कि चिकन सीख कबाब होंगे, और अब ये मेरा सावर डो ब्रेड है जिसके बारे में मैं बार बार बात करे जा रहा हूँ, एंड इसको हमने एक स्लाइस को काट के हमने इसको फ्राई करने में लगा दिया है, और अब इसके बाद हम दूसरे स्लाइस को भी हम फ्राई करने में लगा देंगे। एंड ये सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है इस पूरे डिश का, मेयोनेज, पेस्टो सॉस। ये अपैरेंट इज मेड ऑफ, दिस इज समथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द मार्केट, टाइनी टोमेटोज से बनता है ये, एंड उसके साथ काशुंदी भी है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सॉस दैट आई एम क्रिएटिंग, एंड उसके साथ थोड़ा सनी साइड अप फीलिंग लाने के लिए मैंने एक हाफ फ्राई भी कर लिया है। तो पहले हमने, जैसे मेरा ब्रेड है, ब्रेड में हमने जो सॉस था मेयोनीज, प्रेस्टो और कासुंदी, उसको मिक्स करके हमने ले उसको हमने मतलब हमने स्मियर कर दिया है, लगा दिया है। उसके ऊपर हमने चिकन स्लाइसेस, सीख कबाब के चिकन सीख कबाब को स्लाइस करके दे दिया है, एंड सॉर्टेड कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन को भी हम इसके बीच में फिल करेंगे, एंड बस दैट्स इट। उसके ऊपर थोड़ी सी और मेयोनीज डालेंगे, एंड उसके बाद ऊपर से जो है सावर डो ब्रेड, दूसरी वाली जो स्लाइस है उसको हम बंद करके इन्जॉय करेंगे। और ट्रस्ट मी, द टेस्ट इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड, बट आई फेल्ट दैट मे बी थोड़ा सा ज़्यादा च्यूई ज़्यादा था, थोड़ा मतलब हार्ड था ब्रेड, थोड़ी सी हार्ड थी। तो मे बी दिस होल कॉम्बिनेशन, यू नो, दिस होल सॉस एंड दिस द वे दिस अनियन कैप्सिकम हैज़ बीन फ्राइड कैन बी वेरी विद सीख कबाब और चिकन, कैन बी मिक्सड, कैन ऑल बी मिक्सड वेरी वेल, एंड विद दिस हाफ फ्राइड एग कैन बी रोल्ड इन टू अ टॉर्टिला।